नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस में। उदयपुर में हुई हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों के बंद का जिले में हो रहा मिलाजुला असर। व्यापारियों ने स्वमेव दुकानें बंद रख बंद का किया समर्थन। सीजीओए महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुरथल द ढाबा का किया शुभारंभ, कहा ढाबा किसी कोर या 5 स्टार से कम नहीं। और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव रथ यात्रा में हुए शामिल, महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि खुशहाली का मांगा आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा हॉस्पिटल में मेगा ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जरी तथा 3 दिवसीय स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उपस्थित डॉक्टर्स को डॉक्टर्स दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायण हॉस्पिटल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर हॉस्पिटल में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क मेगा ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी के साथ स्पाइन ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का द्वीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मुंबई, बैंगलोर समेत अन्य प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने डॉक्टर्स डे और श्री नारायण हॉस्पिटल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में श्री नारायण हॉस्पिटल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दी। इस आयोजन के बारे में हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुनील खेमका ने कहा कि 3 दिवसीय निःशुल्क सर्जरी शिविर और कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों हुआ। इस दौरान डॉक्टर खेमका ने पूरे आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सोचा और 50 बहुत मेजर सर्जरी जिसमें ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी है, 5 केसेस जॉइंट रिप्लेसमेंट के हैं, 5-7 केस स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस के हैं, प्लस 15 अदर केसेस डिस्क के, फिलिप के हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर के केसेस हैं, बच्चों की डिफॉर्मिटी करेक्शन के केसेस। इस प्रकार से 50 केसेस जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आयुष्मान योजना का भी कोई लाभ नहीं ले रहे। ये श्री नारायण हॉस्पिटल की तरफ से एब्सोल्युटली निःशुल्क। मंदिर हासोद इलाके के जिंदल स्टील प्लांट और राजू ढाबा के सामने मुरथल रेस्टोरेंट और ढाबा खोला गया है। इस ढाबे की विधिवत शुरुआत मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सीजीओए महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने ढाबा संचालक गौरव अरोरा समेत वहां मौजूद लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह ढाबा किसी 4 या 5 स्टार से कम नहीं लग रहा है। हाईवे में खुले इस ढाबे में आने वाले लोगों को पंजाब, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि रायपुर से महासमुंद, बसना, उड़ीसा, झारखंड आने और जाने वालों को कम बजट में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। सीजीओए महासचिव गुरचरण सिंह हुरा ने गौरव अरोरा को नए दायित्व की बधाई दी। इस मौके पर गौरव अरोरा और नवीन मिश्रा ने मुरथल ढाबे की खासियत बताते हुए कहा कि राजधानी के स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने जाने वाले यात्रियों को अच्छे दाम में गुणवत्ता युक्त खाना परोसा जाएगा। साथ ही ग्रामीण परिवेश के साथ यहां अलग से फैमिली केबिन की सुविधा देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सह परिवार महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर शहरवासियों के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। इस दौरान महापौर नीरज पाल भी उपस्थित रहे। शहर में भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महापर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने इस पावन पर्व की शहरवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। विधायक देवेंद्र यादव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में परिवार सहित शामिल हुए। महापौर नीरज पाल और विधायक ने सह परिवार विधिवत पूजा अर्चना कर
महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में पुष्प अर्पित कर भिलाई सहित पूरे प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना करी और महाप्रसाद का वितरण किया। रथ यात्रा में शामिल होकर विधायक देवेंद्र यादव ने रथ भी खींचा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सनसनीखेज नुपुर शर्मा मामले में राजस्थान के उदयपुर में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष में भिलाई शहर में भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया था। राजस्थान के उदयपुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और पूरे देश भर में हिंदूवादी संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा एक दिवसीय पूरे प्रदेश बंद का आह्वान भी किया गया था, जिसके तहत भिलाई शहर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में भगवा ध्वज लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए पावर हाउस मार्केट और आकाशगंगा सुपेला की दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान पावर हाउस मार्केट में व्यापारियों से कुछ कहा सुनी भी हुई, परंतु बावजूद इसके व्यापारियों ने भी इस बंद को स्वीकारते हुए अपना समर्थन दिया। शनिवार को एक दिवसीय प्रदेश बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी। पूरे संपूर्ण जिला दुर्ग जो बंद है उसमें भिलाई के अंतर्गत आज ये जो कार्यकर्ता लोग हैं पावर हाउस मार्केट में भी भ्रमण कर रहे हैं। इसी प्रकार की 10 टोलियां बनी हुई है जो अपने अपने क्षेत्रों पर निगरानी रख रहे हैं। कोई दुकान तो नहीं खोल रहा है, लेकिन स्वफूर्ति लोगों ने बंद किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर दुकान खोल के रखे हैं, उनसे मैं आगाह करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि प्यार से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करके आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे निवेदन को कमजोरी में समझिए। इसको बंद करना है मतलब बंद करना है, क्योंकि ये जो मामला है वो देश का मामला है और इस पर सभी का समर्थन मिल रहा है। और ये जो पूरी जो टोली घूम रही है ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बंद करवा रहे हैं नारेबाजी करते हुए, किसी प्रकार की कोई उसमें दुविधा नहीं है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि जैसे अभी तक आपने बंद रखा है, आगे 2-4 घंटे जो बचे हुए हैं उसको भी बंद करके रखें। जय जय श्री राम। बजरंग दल द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में जयपुर को लेकर आज बंदी का रखा गया है। जयपुर के हत्या को देख के जो हिंदू भाई की हत्या उसको लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ को बंद रखा गया। इसी प्रकार को लेकर दुर्ग जिला को भी बंद रखा गया है और व्यापारी संघ का भी हमको अच्छा समर्थन मिला, प्रशासन का भी अच्छा समर्थन मिला। आप लोगों से निवेदन है कि अपनी दुकानों को बंद रखें। रवि निगम बजरंग। उदयपुर में हुए नृशंस हत्या के विरोध में पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। केंद्र सरकार को जल्द ही इस पूरे मामले को समझकर इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। संभागायुक्त महादेव कावरे द्वारा किया गया अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील कार्यालय दुर्ग का निरीक्षण। उपस्थित पंजी में हस्ताक्षर नहीं करने पर लिपिक की रोकी गई एक वेतन वृद्धि, साथ ही राजस्व निरीक्षक को थमाया कारण बताओ नोटिस। दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरे द्वारा दुर्ग जिले के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं तहसीलदार कार्यालय दुर्ग का निरीक्षण किया गया, जहां श्री कावरे द्वारा कार्यालय के समस्त शाखाओं के निरीक्षण के दौरान शाखाओं के कर्मचारियों के टेबल पर नेम प्लेट अवश्य लिखे जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही तहसील कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया गया एवं समस्त आवेदनों को समय सीमा के भीतर कार्रवाई किए जाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग मुकेश रावटे को दिए गए। इस दौरान उन्होंने प्रतिलिपि शाखा एवं सूचना के अधिकार शाखा में दस्तावेजों के अव्यवस्थित रखरखाव पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं संबंधित कर्मचारी को व्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी की जांच की गई, जिसमें कानूनगो द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना पाया गया, जिस पर संभाग आयुक्त द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई एवं संबंधित कर्मचारी फूल सिंह पुलस्ते की एक वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश दिया गया। साथ ही अधिकारियों को नियमित तौर पर उपस्थिति पंजी जांच करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान संभाग आयुक्त द्वारा न्यायालय तहसीलदार दुर्ग, अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग एवं नायब तहसीलदार के प्रकरणों का अवलोकन भी किया गया, जिस दौरान कार्यालय तहसीलदार में कुल 2,333 प्रकरण, जिनमें तहसीलदार दुर्ग में 1,699 प्रकरण, अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में 567 प्रकरण एवं नायब तहसीलदार न्यायालय में 176 प्रकरण लंबित पाए गए। लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक होने पर प्रकरण के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही समय सीमा के बाद के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के तौर पर निराकरण करने हेतु तहसीलदार दुर्ग प्रकाश सोनी एवं अतिरिक्त तहसीलदार प्रेरणा सिंह को निर्देशित किया गया है। इसी दौरान कार्यालय में पहुंचे कातुल बोर्ड निवासी भगत राम से श्री कावरे ने समस्या के संबंध में जानकारी ली। आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका त्रुटि सुधार कार्य लंबित विगत कई दिनों से लंबित है।
जिस पर श्री कावरे ने अनुविभागीय अधिकारी रावटे को 15 दिवस के भीतर त्रुटि सुधार किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही एक अन्य मामले में संबंधित राजस्व अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में दो कट्टरपंथियों द्वारा दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया। राजस्थान के उदयपुर में दो कट्टरपंथियों के द्वारा दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा आज एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया था, जिसे व्यापारियों की संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन देते हुए सभी व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे जाने की बातें कही गई थी। वहीं कुम्हारी भिलाई 3 और चरोदा नगर क्षेत्र के अधिकांश व्यापारियों ने स्वतः अपनी दुकानें बंद रखी। दुर्ग जिला SP अभिषेक पल्लव ने कहा कि बंद को लेकर जगह जगह शहर के व्याप्त चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और हिंदूवादी संगठनों से जोर जबरदस्ती न किए जाने की बातें कही गई हैं। ये दुर्ग पूरे जिले में सुबह से ही 5 बजे से पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग, जीप पेट्रोलिंग, कार पेट्रोलिंग, खुद पेट्रोलिंग की जा रही है। जगह जगह दुकानों को सुरक्षा प्रदाय की गई है। जरूरी दुकानें सारी खुली हुई हैं क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी 2 बजे तक की बंद को सपोर्ट किया था, तो जो लोग स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं उनके द्वारा बंद किया गया है। बजरंग दल, VHP और BJP के जो नेतागण बाइक्स में और इसमें निकले हैं उनसे भी हमने आग्रह किया कि किसी को जबरन बंद ना कराया जाए, जो स्वेच्छा से बंद करें वो बंद करें। उनके द्वारा भी काउंसलिंग करके कुछ लोगों को बंद कराया गया है, लेकिन कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई। बहरहाल बंद का असर दुर्ग जिले सहित पूरे प्रदेश में भी देखने को मिला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे ऊर्जावान, हरदिल अजीज, निष्ठावान, कर्मठ, जुझारू व कुशल नेतृत्वकर्ता के धनी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय योद्धा श्री मोहन मरकाम जी को उनके सफल, उत्कृष्ट, अनुकरणीय कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं। मोहन मरकाम जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 3 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियाँ छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ के जनता को दिलाने में मदद की है और उन्होंने पूरे प्रदेश में नगरीय निगम चुनाव में तथा उपचुनाव में और पंचायत चुनाव में पार्टी को जीत का परचम लहराया है एवं पूरे देश में कांग्रेस की सदस्यता अभियान में सर्वश्रेष्ठ सदस्यता ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने में उपलब्धि हासिल की है। और मोहन मरकाम जी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास की गाथा गढ़ी गई है और पूरे देश में लोहा मनवाया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की गाथा गढ़ते रहेगा और विकास का लोहा पूरे देश में मनाते रहेगा। इसी कामना के साथ फिर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी को बधाई और हार्दिक अभिनंदन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हां, हमारे यहां 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884014141, 07884014141।
3590112, मोबाइल नंबर 9300171767। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजी स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, एमजी स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्जाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजी स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं। जी हां, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, महावारी, गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा गया नगर दुर्ग और श्री राम मार्केट स्पर्श हॉस्पिटल के पास रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 777-30-777-111-777-30-777-222। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों की टीम के साथ बैकुंठ धाम स्थित मांगलिक भवन एवं पावर हाउस स्थित सी मार्ट का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि बैकुंठ धाम में सर्व समाज के लिए मांगलिक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, साथ ही पावर हाउस में सी मार्ट का निर्माण भी कराया जा रहा है। दोनों ही निर्माण कार्यों का जायजा महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों की टीम के साथ किया। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल के प्रयासों से मांगलिक भवन एवं सी मार्ट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। महापौर ने स्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सी मार्ट में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। बिग शॉप मॉल की तर्ज पर इसे तैयार किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान विभिन्न हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया था, जो पूरी तरह सफल भी रहा। इस बंद का भाजपा, बजरंग दल, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित कई व्यापारिक संगठनों व हिंदूवादी संगठनों ने समर्थन किया। भिलाई में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यहां तक कि किराना दुकानें, चाय, नाश्ता, पान ठेले सहित कई क्षेत्रों की शराब दुकानें भी बंद रहीं। शनिवार को सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा समेत उसके अनुषांगिक संगठनों द्वारा पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों से अपने प्रतिष्ठान, दुकानें व व्यवसाय को दोपहर 2 बजे तक बंद रखने की अपील की गई, जिसका सभी वर्गों ने समर्थन करते हुए अपने व्यवसाय व दुकानों को बंद रखा। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ केंद्रीय कार्यकारिणी और क्षेत्रीय इकाई दुर्ग भिलाई की बैठक भिलाई के एक निजी होटल में संपन्न हुई। मौका था चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी एवं नव निर्वाचित सदस्यों से मुलाकात करने का। बीते दिनों छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के क्षेत्रीय इकाई दुर्ग भिलाई का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग पुरानी कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से उनके कार्यों के आधार पर दोबारा चुन लिया गया। इसमें प्रथम बार भिलाई को एक नए रीजन का दर्जा मिला है और कई ऐसे पावर स्टेशन हैं जहां से पहली बार सदस्यगण निर्वाचित होकर आए हैं। इन सभी से मुलाकात करने के उद्देश्य से और संघ के कार्य करने की रीति नीति से अवगत कराने इस बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात बैठक में सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य सदस्यों का फूल मालाओं से बारी बारी स्वागत सम्मान किया गया। नवनिर्वाचित भिलाई रीजन के अध्यक्ष ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता ग्राहकों को खुश करना है, क्योंकि ग्राहक हमारे भगवान है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ निजी कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध भी संघ करेगा। वहीं संघ के नवनिर्वाचित महासचिव मनोज वर्मा ने भी संघ की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए संघ में शामिल सभी सदस्यगण एवं कार्यकारिणी सदस्यों के हित में विशेष रणनीति बनाकर कार्य करने की बातें कही हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ विद्युत अभियंता संघ है, वो सभी क्षेत्र में जाकर क्षेत्रीय कमेटी का गठन करती है। तो इस बार अभी हमारा दुर्ग भिलाई जो विजन है, हमारे अध्यक्ष महोदय राजेश पांडे साहब ने
अभियंताओं की लंबी मांग को पूरा करते थे। इस बार उन्होंने भिलाई को भी एक सेपरेट डिवीजन घोषित किए हैं, तो आज अभी यहाँ पर दूध और भिलाई दोनों रीजन का क्षेत्रीय टीम का गठन हुआ है। और साथ ही साथ हमारे जो पूरी सीसी मिनिस्ट्री है उसकी सीसी का केंद्रीय कार्यकारिणी का आज यहाँ पर मीटिंग हुआ है, जिसमें हम लोग पूरे अभियंताओं की मांग को और जो विशेषकर हमारे नए प्लांट खोलने का और उस प्लांट के लिए मांग को कंप्लीट रूप से शासन के सभी विधायकों के सहित मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए हम लोग ने संकल्प लिया है, उसमें हमारे पूरे अभियंता साथ। खेड़ा मारम की कोई बात आ रही थी कि वहां पे 8% ही सिर्फ मिल रहा है, उससे उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अभी मीटिंग के दौरान वहाँ से खेड़ा मारा का नव चयनित मतलब अध्यक्ष जो है पीसी पाली साहब ने ये बात अध्यक्ष महोदय के सामने और हमारे प्रमुख के सामने निवेदन किए हैं कि वहाँ पे जो हाउस रेंट है इचारे वो ग्रामीण क्षेत्र के मिलता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले सभी सिटी से लगे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस स्टेशन जो खेदमारा हमारा 400 सर्विस स्टेशन है, बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट सरकार में हमारे कर्मचारी कार्य करते हैं, हमारे अधिकारी काम करते हैं, उनके इचारे कम मिलता है, उसको हम मैनेजमेंट तक पहुँचा कर उसको सिटी का एचआर दिलाने का मांग हुआ है, उसको हमारे अध्यक्ष महोदय आश्वासन दिए हम सब मिलकर उसको कराएंगे। हम लोग आज इस अभियंता संघ के बैठक में फैसला लिए हैं कि उपभोक्ता हमारे भगवान हैं और उपभोक्ता को कैसे सेटिस्फाई, उपभोक्ता की संतुष्टि कैसे हम लोग करें, और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि उपभोक्ता को सेटिस्फेक्शन और कम लागत में सतत बिजली प्रदान करना उपभोक्ता को, ये हमारा मूल मतलब, इसमें हम लोग कार्य करेंगे। एक नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार ला रही है, उसका हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का क्या है उस बिल में ऐसा कि विरोध करना पड़ रहा है? उस बिल में ये है कि बहुत सारी प्राइवेट पार्टियां आएगी और कंज्यूमर को बिजली सप्लाई करेगी। इससे क्या नुकसान हो सकता है उपभोक्ताओं को? उपभोक्ताओं को नुकसान ये हो सकता है कि अभी बिजली के दर बढ़ जाएंगे, प्राइवेट कंपनी आएगी, उसमें मतलब विभिन्न प्रकार के टैक्स भी जुड़ेंगे। टैक्स नहीं जुड़ेंगे, जब प्राइवेट पार्टी आएगी तो अभी तो आप सीधा ही राउंड देखिए, जियो का जियो ने आया शुरू में फ्री में दिया और अभी आप हाल देख रहे हैं जियो महंगी है, तो जब भी प्राइवेट पार्टियां जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें आएंगी तो रेट बढ़ेंगे बिजली के। अधिवक्ता संघ के जो सदस्यगण हैं, पूरी कार्यकारिणी है जी, इनके स्तर को और उत्तरोत्तर उठाने के लिए किस तरह से प्रयास? हम हर वार हर मंथली मीटिंग हम रीजन में जाके करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के नए कार्यकारिणी द्वारा कुछ और अहम फैसलों के साथ प्रतिमाह बैठक लेकर एक दूसरे से मिलकर अपनी समस्याएं बताने और सुनने पर भी सहमति बनी। यकीनन जिस तरह से संघ की पुरानी कार्यकारिणी ने अपना कार्यकाल बेहतरीन तरीके से पूरा किया, उसी प्रकार इस बार के कार्यकाल में भी उपभोक्ताओं के लिए समर्पित होकर एवं संघ के सभी सदस्यों के लिए अच्छे कार्य करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर टीम द्वारा कई दुकानों पर छापामार कार्यवाही की गई। प्लास्टिक को जब्त कर दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने, आयात, निर्यात और बिक्री पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी गई है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर नगर निगम की टीम द्वारा शहर की कई दुकानों में दबिश देकर प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने की कार्रवाई की गई और दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। नगर निगम की टीम द्वारा कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, साथ ही दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक रखे पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। महापौर नीरज पाल ने भी स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का शहरवासियों से बहिष्कार करने की अपील करी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर दुर्ग समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दकी के नेतृत्व में वृद्धाश्रम पहुंच पौधारोपण कर केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर दुर्ग समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दकी के नेतृत्व में शुक्रवार को दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचकर वहां के वृद्धजनों के साथ पौधारोपण कर केक काटकर और स्वल्पाहार वितरण कर बड़ी धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। इस अवसर पर वृद्धजनों से अखिलेश यादव की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दकी के साथ वरिष्ठ नेता मोहम्मद रजा, सनी फर्नांडिस, विनोद मड़ामे, परवेज भाई बल्लू सहित वृद्धाश्रम में समस्त परिवार उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई, अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ। इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। एक बार फिर से स्वागत है। कोसा नगर निवासी एक नाबालिग स्कूली छात्रा पिछले कई दिनों से अपने घर से लापता है, जिससे नाबालिग छात्रा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लापता छात्रा की गुमशुदगी की सूचना सुपेला थाने में दर्ज है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा सब्जी खरीदने घर से गई हुई थी, जिसके बाद से उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका है।
संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है। छात्रा का मोबाइल भी घर पर ही है। सारे रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद अब छात्रा के परिजन पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। एकमात्र पुलिस पर ही परिजनों का भरोसा बना हुआ है। छात्रा की गुमशुदगी को लेकर परिजनों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। नहीं सर, सब तो किसी के ऊपर नहीं है मुझे, लेकिन 8:30 बजे रात को 19 तारीख को वो घर से निकली थी, फिर वापस लौटी है। आपके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि अब हम लोग को तो जितना कुछ भी हमको प्रूफ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग कहाँ देखे कैसे करके, उन लोग भी बोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। क्या नाम है आपकी बेटी का और कौन से क्लास में पढ़ती थी? 10th क्लास का अभी पेपर दी है, उसका नाम है, स्कूल का नाम है रागिनी यादव, और घर से ऐसी रिया यादव, रिया बोलते थे उसको। कौन से स्कूल में पढ़े? DAV पब्लिक स्कूल हुड़को भिलाई। सर वो कहीं से भी बस मेरे को मिल जाए बस। हरिशंकर यादव है, मैं लड़की का पापा हूँ, लड़की का नाम रागिनी यादव है। रिया 19 जून रविवार की शाम से घर से 8 बजे से लापता है, जो मार्केट बाजार सामान लेके उसको लौटी है, और उसके बाद उसका कोई अच्छा पता नहीं चल रहा है। किसी तरह का कोई फ़ोन वगैरह आया? किसी तरह का कोई फ़ोन वगैरह मेरे पास अभी तक नहीं आया। मैंने सुबह सारे में पुलिस में उसके FIR भी लिखाई है, लेकिन कोई सबसे बड़ा जवाब नहीं आ पाया। आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जैसे भी करके कोई बच्ची मेरे घर वापस आए। बहरहाल छात्रा की बरामदगी को लेकर पुलिस का प्रयास जारी है। देखना होगा पुलिस को इसमें कामयाबी कब तक मिल पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों हेतु पेंशन निराकरण प्रशिक्षण एवं प्राप्ति भुगतान के आंकड़े मिलान के लिए जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारियों को पेंशन प्रकरण तैयार करने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यालय संभागीय आयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग एवं जिला कोषालय दुर्ग द्वारा जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों हेतु पेंशन निराकरण प्रशिक्षण एवं प्राप्ति भुगतान के आंकड़े मिलने के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को पेंशन प्रकरण तैयार करने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर डॉक्टर दिवाकर सिंह राठौर, संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग राघवेंद्र ध्रुव, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी दुर्ग देवेंद्र चौबे, उप संचालक अशोक राठौर, सहायक संचालक एवं खम्मन गोवार्य, सहायक अतिरिक्त प्रशिक्षण अधिकारी के द्वारा जिले के विभिन्न कार्यालयों से उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को पेंशन प्रकरण तैयार किए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उदयपुर राजस्थान में कन्हैयालाल राठौड़ दर्जी की नृशंस हत्या के विरोध में शिवसेना कुम्हारी मंडल अध्यक्ष प्रेमलाल साहू के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने जहादी मानसिकता के हत्यारों को शीघ्र कठोरतम सजा दिए जाने की मांग करते हुए कुम्हारी के राष्ट्रीय राजमार्ग में फ्लाईओवर ब्रिज के समीप कपड़ा मार्केट में पुतला दहन किया। इस अवसर पर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र रायपुर शिवसेना के अध्यक्ष विक्की निषाद सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक उपस्थित थे। हम लोग विरोध हम लोग के स्थान से है, लगातार जो हिंदुओं का हत्या हो रहा है, जैसे उदयपुर के टेलर है ना, उनके जिहादियों के द्वारा हत्या की थी गई, क्योंकि वो नुपुर शर्मा के समर्थन में था। आज जिनका समर्थन किए वो जिंदा है, जो समर्थन किए वो मर चुका है। तो इस तरीके का हालात है हमारे देश में, और लगातार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ। हम लोग का नारा है हिंदुओं के अलग मतलब खून बहेगा सड़कों में। आज शिवसेना द्वारा कुम्हारी में पुतला फूका गया हिंदुओं के हित में, और पूरे हिंदू समाज आक्रोश में आज, क्योंकि लगातार आ रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर, कहीं भी हत्या कर दिए जा रहे हैं, कहीं मार के फेंक दिए जा रहे हैं, कहीं बजरंग दल के भाइयों को मार रहे हैं, कभी शिवसेना के भाइयों को मार दिए, मतलब जो देश धर्म के नाम से खड़ा होता है उनको ही मारा जाता है। हम लोग भी आज खड़े, हम लोग को भी कई जाने लोग बोलते हैं मारेंगे, लेकिन तुम आओ तो जमीनी स्तर पर आओ लड़ो, हम तब लड़ने के लिए तैयार। वहीं उदयपुर में हुए घटना को लेकर दुर्ग बंद का हिंदूवादी संगठनों व भाजपा द्वारा किए गए आह्वान का दिखा व्यापक असर। ज्यादातर दुकानें रही बंद, बाजार सहित सड़कें रही सूनी। उदयपुर की घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों के भारत बंद का असर दुर्ग में भी दिखाई दिया। यहां ज्यादातर दुकानें बंद रही और बरसते पानी में भी हिंदूवादी संगठन और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर व्यापारियों से बंद का समर्थन करने की अपील करते नजर आए। हिंदूवादी संगठनों के बंद के चलते दुकानें और सब्जी बाजार के साथ ही बाजार में लगने वाले छोटे बड़े चाय के ठेले भी बंद दिखाई दिए।
गौरतलब है कि उदयपुर में हुई घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन आंदोलित है और इसी के चलते शनिवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका व्यापक असर दुर्ग में भी दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद का आह्वान करने पर चेंबर व कॉमर्स व कैट ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया। यही वजह है कि सुबह से ही बाजार पूरी तरह सूने और दुकानों के शटर तक नहीं खुले। इस संबंध में भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा एवं भाजपा के दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल जी का जिहादियों ने हत्या कर दिए थे, उनके विरुद्ध में पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पे सारे हमारे आनुषांगिक संगठन के कार्यकर्ता कल भी गली गली निकल के निवेदन किए थे दुर्ग जिले के और दुर्ग नगर के व्यापारियों से कि कल अपने सारे दुकान व्यापार केंद्र बंद रखें। आज सुबह 4:30 बजे से सारे हमारे अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं बहनें लगातार लगी हुई हैं और निश्चित तौर पे ये दुर्ग शहर जो है 100% बंद है। ये जो उदयपुर की घटना हुई वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर आघात नहीं था, समाज के सोच के ऊपर आघात था, खौफ पैदा करने वाला आघात था। ये एक सिर्फ हत्या नहीं है, इसके इस क्रिया की प्रतिक्रिया जो आज बंद करके लोगों ने की है वो ये आह्वान तो सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का था, उसको समर्थन दिया राजनीतिक पार्टियों ने, बीजेपी ने और व्यापारिक संगठनों ने भी, और ऐसे हर इंसान ने जो अपना शटर आज बंद करके रखा हुआ है, अपने प्रतिष्ठान को बंद करके रखा हुआ है, वो एक जवाब देना चाहता है, वो एक उत्तर देना चाहता है कि इस टाइप की क्रिया नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रतिक्रिया होगी। आज एक आम इंसान बहुत ज्यादा रुष्ट है, उद्वेलित है और डरा हुआ है। जैसे कि पहले ये सब चीजें लाइट नहीं ले रहा था, जैसे कि कुम्हारी की घटना हुई 12 जून को, उन्होंने इंस्टाग्राम में जो मैसेज डाला नूपुर शर्मा जी का, उसके उसको भी धमकी आई, तो वो उसने लाइट नहीं लिया, लेकिन इस घटना के बाद उसकी सोच बदल गई और तुरंत हो गया कि और पुलिस ने रिपोर्ट दिखाई और बोला कि जब तक वो अंदर नहीं होंगे, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं अपने प्रतिष्ठान में अपने जहां पर काम करता हूं दफ्तर में नहीं जाऊंगा। सोच के ऊपर आघात हो, उस सोच का की प्रतिक्रिया आज बंद करके लोगों ने बंद किया। ये दबाव में बंद नहीं था, ये प्रभाव में बंद था और एक उत्तर दिया गया है। इससे इस कृत से न सिर्फ मुस्लिम समाज शर्मसार है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मुस्लिम समाज के जो बेचारे बहुत शर्मसार हैं और मानव जाति शर्मसार हुई है। ऐसे कृत आगे ना हो इस वजह से ये बंद है। उदयपुर में हुई नृशंस हत्या अब पूरे भारतवर्ष में विरोध की वजह बन रही है। केंद्र शासन को इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करके कोई ठोस हल निकालने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन करने पर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, जिसे लेकर आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया और इसका व्यापक असर देखने को मिला। वहीं दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में रहने वाले एक युवक को अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। युवक को यह धमकी नूपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट करने के बाद मिली है। गौरतलब है कि युवक ने कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद लगातार अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी मिल रही थी। युवक के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार कुम्हारी के कैलाश नगर वार्ड 11 निवासी ने 12 जून को अपने इंस्टाग्राम की आईडी से नूपुर शर्मा के पक्ष में एक मैसेज पोस्ट किया था, जिसके बाद उसे दो नंबरों से रिप्लाई आया और दोनों मैसेज में उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसी तरह के मामले में राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या से भयभीत युवक ने इसकी सूचना कुम्हारी थाना में दी। शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि प्रार्थी ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी
उसके कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया गया था। इसी बात को लेकर दो लोगों ने प्रार्थी को फोन से मैसेज करके धमकी दी कि तुम नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हो, तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद प्रार्थी ने कुमारी थाने में आकर इसकी FIR करवाई, जिस पर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कुमारी थाना में एक हिंदू युवक ने इंस्टाग्राम पे नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट डाला था। उसके ऊपर रायपुर के दो मुसलमान लड़कों ने उसमें कमेंट किया और उसको जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के बाद जैसे ही थाने में फिर उसके द्वारा रिपोर्ट की गई तो ICC धारा 507 में तुरंत FIR किया गया। इंस्टाग्राम से जानकारी जुटाई गई, उसका ID आइडेंटिटी क्लियर किया गया और दुर्ग से जो पुलिस टीम है वो रायपुर रवाना कर दी गई है दोनों को गिरफ्तार करने के लिए। जो युवक था जिसको धमकी मिली थी उसको एक्स टाइप की दो पुलिस जवानों की आर्म्ड गार्ड की सुरक्षा प्रदाय की गई है। जब तक उनको खतरा लगातार आकलन किया जाएगा, खतरे के आकलन के ऊपर सुरक्षा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यहाँ हम आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर एक टेलर की सरेआम हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने वारदात का वीडियो भी बनाया था। इसके बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई दीन चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।